नंबर वन, साइकोलॉजी के अनुसार हमें सबसे ज्यादा लंबे और गहरे सपने सुबह के वक्त आते हैं और ये सपने 20% तक हमें याद भी रहते हैं। नंबर टू, दोस्तों नॉर्वे में अपराधियों को आलीशान जेलों में बंद किया जाता है। यह माना जाता है कि ऐसा करने से अपराधियों को अच्छा व्यक्ति बनने में मदद मिलती है। नंबर थ्री, 2011 से पहले तक रशिया में बियर को एक सॉफ्ट ड्रिंक माना जाता था और बियर को किसी भी दुकान से किसी भी समय खरीदा जा सकता था, क्योंकि उस समय के कानून के अनुसार जिस भी चीज में 10% से कम शराब है उसे अल्कोहल नहीं माना जाता था। नंबर फोर, पृथ्वी पर तो ढेर सारे भूकंप आते हैं, ये तो बात हम सभी को पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि चांद पर भी भूकंप आते हैं? तो है ना, ये काफी कमाल की बात। नंबर फाइव, फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम ऐसी स्थिति है जब लोगों को लगता है कि उनके मोबाइल में वाइब्रेशन हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। आजकल ज्यादा मोबाइल के इस्तेमाल के कारण 90% लोग इस बीमारी में हैं। इसमें आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।